हेलो फ्रेंड्स, मैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा बड़जुरा से पापा बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा पास आज एक तो माइक्रोमैक्स का 43T6950 FHD मॉडल का ये जो सेट आया है, इसका प्रॉब्लम है नो पिक्चर साउंड ओके। तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं टीवी को मेन स्विच ऑन कर दिया, ये पावर दे दिया, तो यहाँ देखिए, मेरा उंगली की तरफ देखिए, यहाँ पे रेड इंडिकेटर आ चुका है। मैं ये कीबोर्ड से, उसका जो कीबोर्ड का स्विच है वहाँ पर मैं टीवी को प्रेस करके ऑन कर देता हूँ। टीवी मेरा ऑन हो गया, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा टीवी में बैकलाइट नहीं जल रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है और कैसे ये चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, ये मैं बताने जाता हूँ आज इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ का कोई प्रॉब्लम आप लोगों के पास आए, आप लोग पहले क्या करना चाहिए, इसका जो बैकलाइट का आउटपुट सॉकेट है, यहाँ पर मीटर का प्रॉड जो है, आप मीटर का जो प्रॉड है अभी सेट ऑन किया, इसीलिए थोड़ा सा वोल्टेज रह गया। तो ये देखिए, मैं जूम करके देखा तो ये मीटर का जो प्रॉड है, बैकलाइट जो आउटपुट सॉकेट है, उसमें इस तरफ लगा के रखना है आपको। ठीक है, अब लोग मीटर की तरफ ध्यान दीजिए। ये देखिए, मैंने सेट को पावर दे दिया, मैं देखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सेट को पावर दे दिया। जब भी स्टैंड बाई से रिलीज करूँगा, आप लोग मीटर की तरफ ध्यान दीजिए। मेरा आउटपुट सेक्शन सही है, तो आउटपुट में जो वोल्टेज तैयार हो रहा है, हाई होके थोड़ा थोड़ा लो होते जाएगा। तो देखिए, मैंने ये टीवी को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद देखिए मीटर पे वोल्टेज आ गया 68 वोल्ट। ठीक है, तो अभी तो कोई लो नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो आउटपुट है वो सही नहीं है, क्योंकि इसका आउटपुट जब वोल्टेज है, मैं आप लोगों को और अच्छी से देखाता हूँ। इसका देखिए, ये जो आउटपुट डायोड है, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए देखिए, ये जो आउटपुट डायोड है, इसने भी 68.5 वोल्ट आ रहा है, और जो आउटपुट सॉकेट है उसमें भी 68.9, लगभग सेम वोल्टेज आ रहा है। ये आउटपुट में जो आउटपुट डायोड है और बैकलाइट का जो आउटपुट कनेक्शन है, वह बूस्ट वोल्ट तैयार होता है, इसलिए यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होके लो होता जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ये जो ड्राइव सेक्शन है और आउटपुट सेक्शन है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो टीवी को मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ का जो कंपोनेंट है, मैं चेक करूँगा। सबसे पहले आपको आउटपुट, ये डायोड है, चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, बाजार पे
आउटपुट डायोड जो शॉर्टिंग शो हो रहा है। मैं मीटर प्रॉड को घुमा लेता हूँ। देखिए मीटर प्रॉड को मैं घुमा लिया। देखिए मीटर पॉट को मैं घुमा लिया, तब भी मेरे ये डायोड शॉर्ट बता रहा है। तो मेरा ये मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं ये पूरा मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। मेरा जो मदरबोर्ड है मैं बाहर निकाल के इसको जो डायोड है वो रिप्लेस करना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ये जो मदरबोर्ड है इसको मैं बाहर निकालनी है। और तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड का ये जो डायोड है मैंने निकल लिया, क्योंकि ये डायोड मेरा शॉर्ट है। तो देखिए ये जो डायोड है इसका वैल्यू है SR320। तो देखिए ये डायोड पूरा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं ये जो डायोड है वहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। इसका नंबर है SB3200। तो मैंने ये डायोड को इधर इंस्टॉल कर लेता हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अभी स्किप करता हूँ। तो देखिए ये जो डायोड है मैंने दूसरा यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। तो ये मदरबोर्ड मैं अभी सेट पे लगाऊंगा। तो देखिए मैंने बोर्ड को टीवी में लगा दिया, और एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा जो ये 68 वोल्ट था वह बूस्टिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने टीवी को पावर दे दिया। पावर देने के बाद मैं टीवी स्टैंड बाय से रिलीज कर रहा हूँ। देखिए मेरा टीवी रिलीज हो गया, और ये वोल्टेज कितना आ गया देखिए आप, 127। ठीक है, और ये देखिए मेरा बैकलाइट भी पूरा ग्लो हो गया। तो इस तरह बहुत बहुत लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को एंड तक देखना, और सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।